उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में बीजेपी को कड़ी चुनौती देने के लिए एक साथ आई कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को अब ये साथ पसंद नहीं आ रहा है। राजनीतिक मंचों पर बीजेपी को साथ ललकारने वाले राहुल और अखिलेश की राहें यूपी निकाय चुनाव में अलग अलग होंगी। गठबंधन को मिली विफलता पर यूपी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राज बब्बर ने कहा कि उनकी पार्टी राज्य में स्थानीय निकाय चुनाव अकेले लड़ेगी। राज बब्बर ने कहा, हमने यह फैसला किया है कि आने वाले नगर निगम चुनाव में कांग्रेस बिना किसी पार्टी के साथ गठबंधन किए ही लड़ेगी। यह बात समाजवादी पार्टी पर भी लागू होती है, यानी उसके साथ भी कोई गठबंधन नहीं किया जाएगा। यूपी चुनाव में हार के बाद से पार्टी पदाधिकारियों ने एक महीने तक हार पर मंथन किया। बब्बर ने कहा कि किसी तरह का फैसला लेने से पहले यह पार्टी नेतृत्व के लिए जरूरी है कि वह गठबंधन पर विचार करे। अभी जिला स्तर के कार्यकर्ताओं चुनाव के उन विजेताओं के साथ बैठक होनी है जिन्हें 1 लाख से ज्यादा वोट मिले हैं। पार्टी पदाधिकारियों को चुनावों और प्रतिबद्ध कार्यकर्ताओं को एकजुट करने को कहा गया है। आपको बता दें कि यूपी विधानसभा चुनाव में एसपी कांग्रेस गठबंधन को करारी हार झेलनी पड़ी है। उत्तर प्रदेश में साइकिल और पंजाब साथ साथ नहीं दिखेंगे और ना ही कहीं ये नारा सुनाई देगा कि यूपी को ये साथ पसंद है, क्योंकि हार के बाद कांग्रेस ने समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन की गांठ को खोल दिया है। निकाय चुनाव में कांग्रेस साइकिल पर सवार नहीं होगी। देखते रहिए डीबी लाइव।